कहते हैं ना, जब अपनी ही पाली बिल्ली आपको काट ले तो सतर्क हो जाना चाहिए। जी हाँ, हो सकता है वो बिल्ली आप पर दोबारा अटैक करे, इसलिए सतर्कता बहुत जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम है श्रुति और आपने देखना शुरू कर दिया है TV9 बिहार झारखंड। बिहार के राजनीतिक गलियारे में गहमा गहमी लगातार जारी है। JDU के जाने माने वक्ता अजय आलोक को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया, उनको तो हम रोज टीवी पर देखा करते थे, फिर ऐसा अचानक से क्या हो गया जिसके कारण JDU ने अपनी पार्टी से अजय आलोक को ही निकाल दिया। और यह निलंबन की प्रक्रिया केवल अजय आलोक तक ही नहीं रही, उनके साथ साथ पार्टी के अनिल कुमार और विपिन यादव को भी निलंबित कर दिया गया है। पार्टी द्वारा इस कार्रवाई को एक अलग नजरिया भी दिया जा रहा है। जी हाँ, आपको याद होगा 4 दिन पहले JDU के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने RCP सिंह के समर्थकों को चेतावनी तक दी थी और कहा था कि जो लोग भी सोशल मीडिया पर पार्टी की छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं उनसे पूरी सख्ती से निपटा जाएगा। पार्टी के कई नेता ये भी कह रहे हैं कि भैया, जब से RCP सिंह केंद्र में मंत्री बने हैं तब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनसे बेहद नाराज चल रहे हैं। बहरहाल, इन निलंबित नेताओं को लेकर JDU ने साफ कह दिया है कि कुछ नेता पार्टी के हित में काम नहीं करते और साथ ही सोशल मीडिया पर पार्टी की छवि को खराब करते रहते हैं, जिसकी वजह से यह फैसला लिया गया है और पार्टी को लेना पड़ा। आपको बता दें, JDU के बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा है, उन्होंने अपना बयान जारी किया है कि कुछ पदाधिकारी लगातार अनुशासन भंग कर रहे थे, जिसको देखते हुए कई नेताओं को पार्टी से हटाया गया और आगे भी इस तरह की गलती ना दोहराने की हिदायत भी दी गई है। देखिए, कुछ दिनों से पार्टी के कुछ पदाधिकारी पार्टी के अनुशासन का उल्लंघन कर रहे थे और कई जिला से कई पदाधिकारी के द्वारा सूचना दी गई और वो पदाधिकारी लोग जो हैं इस तरह से दिग्भ्रमित कर रहे थे, हर स्तर पर, पार्टी के हर स्तर पर लोग भ्रमित हो गए थे। इसलिए पार्टी ने एक्शन लिया। लगातार कोई पार्टी के मर्यादा को यदि तोड़ा जा रहा है, पार्टी के मर्यादा को, तो पार्टी समय समय पर कार्रवाई करती है। इसलिए पार्टी ने एक्शन लिया है कि अपने अनुशासन को कायम रखने के लिए इस तरह का एक्शन लिया। अब आती हूँ अजय आलोक के ट्वीट पर। एक दिन पहले अजय आलोक ने ट्वीट किया था कि पूरे देश में गिरफ्तार दंगाइयों के मुफ्त राशन पर पाबंदी लगनी चाहिए और जितनी भी योजनाएं उनको मिलती हैं वो सब बंद कराकर आधार कार्ड में बैड एंट्री कर देनी चाहिए। अजय आलोक ने निलंबित होने के बाद JDU को धन्यवाद भी किया है। जी हाँ, और नीतीश कुमार ललन सिंह को टैग करते हुए कहा है कि बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मुक्त करने के लिए। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मुक्त करने के लिए। इतने साल का संबंध रहा, बहुत अच्छा रहा, मेरी सब शुभकामनाएं आप लोग को। बहरहाल, बिहार के इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।